एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज हम इमली का रसम बनाएंगे। ये देखिए, एक मुट्ठी इमली ली है मैंने। ये नई इमली है, इसका रसम ट्रांसपेरेंट और बहुत टेस्टी बनता है। मैंने इतनी इमली को 15 मिनट पहले पानी में भिगो लिया है। अब इसका पल्प निकाल कर दूसरी तैयारी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने हाथों से मसल कर इमली का पल्प निकाल लिया है। ये आधा टमाटर है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। ये डालेंगे और इसे भी अच्छे से मसल कर पानी में मिक्स कर देंगे। फिर ये पूरे पानी को छान लेंगे हम। ये पानी को हम टेस्ट कर लेंगे, खट्टा खट्टा रहे उतना ही पानी मिक्स करेंगे। पानी काफी खट्टा है, मैं 2 कप पानी ऐड करूंगी। मतलब कि इमली काफी खट्टी थी तो इसमें 1 लीटर तक रसम बन जाएगा। मैं ये 2 कप पानी भी ऐड कर रही हूं। अब 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी, फिर से पानी को टेस्ट करूंगी और अगर पानी ज्यादा खट्टा रहा तो वापस से नमक और थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। परफेक्ट है, थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। रसम के लिए मैं जो मसाले यूज करती हूँ वो देख लेंगे। 8 से 10 लहसुन की कली है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच काली मिर्च है, 1 हरी मिर्च है। मैं इसे ज्यादा तीखा नहीं करूंगी क्योंकि चावल में डालकर बहुत पतला पतला करके खाते हैं। अगर ये ज्यादा तीखा हो जाएगा तो ठसका बैठेगा, खांसी आएगी खाते वक्त। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये सब मैं पत्थर में कूटूंगी। चार चुटकी हींग ऐड करेंगे इसी में। मोटा मोटा कूट लूंगी। ये देखिए, मैंने पत्थर से इसे कूट लिया है। ये सारे मसाले में से मैं 40% मसाला निकाल लूंगी एक प्लेट में, और ये देखिए, ये 60% वाला वापस से पानी में मिक्स कर दूंगी। मैंने गैस पहले से ऑन कर लिया है, एक मिट्टी का बर्तन गरम रखा है। काफी देर हो गया है, मिट्टी का बर्तन गरम हो गया है। 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। 1/2 चम्मच उतना जीरा डालेंगे। ये जो मसाला मैंने रखा था ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो मैंने इमली के पानी में मसाला मिक्स करके रखा था वो डालेंगे। देखिए, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने इसे अभी वापस से टेस्ट किया, बहुत परफेक्ट बना है। ऐसी परफेक्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, इसको हम पूरा उबालेंगे नहीं, अभी जस्ट 2 मिनट छोड़ेंगे ना हम, तो ये उबल जाएगा। देखिए, थोड़े थोड़े व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं ना पानी उबलने के, तो इसी वक्त हम बंद कर लेंगे, इसको पूरा उबालेंगे नहीं। देखिए, फर्स्ट उबाल आ रहा है ना, गैस बंद कर लेते हैं। चलिए, इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई खट्टी मीठी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।